हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज एडिटिंग। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की मदद से हम इस तरह से फोटो को एडिटिंग कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम एंड अदर्स वाले फोटो को एडिटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो आप वीडियो को पूरी देखिए ताकि आपको वीडियो एडिटिंग में, फोटो एडिटिंग में अच्छे से समझ में आए और वीडियो थोड़ी अच्छी मजा आने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की ओर। आप लोगों ने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले हम रिसाइज पर क्लिक करते हैं, क्लिक पर क्लिक करके रिसाइज पर हम क्लिक करते हैं। फिर हम यहाँ से अपना फोटो रिसाइज कर लेते हैं ताकि हमारा फोटो का एडीआर अच्छे से बन जाए, एडिटिंग बन जाए, नहीं तो। ठीक है, तो हम इसके पश्चात सबसे पहले मैं आपको फाइल पर क्लिक कर लेते हैं। फिर चलते हैं सेव वाले ऑप्शन पे। यहाँ से राइट क्लिक कर लेते हैं, फिर सेव बटन पर क्लिक करके फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। फिर दोस्तों, अपनी प्रोफाइल गैलरी में जाकर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। एड को लेकर हम पर्सन पर को क्लिक कर लेते हैं। फिर दोस्तों, हम अच्छे से एडजस्ट हो गए हमारा फोटो, फिर हम एड फोटो पर क्लिक कर लेते हैं। फिर हम जितने फॉलोअर हैं उसको हम स्क्रीनशॉट लेकर उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। या फिर अपने आधार पर हम भी अलग से कुछ अलग बना सकते हैं, मतलब किसी दूसरे की आईडी को भी हम ले सकते हैं। फिर तो राइट पर क्लिक कर लेते हैं, अच्छे से एडजस्ट हुआ कि नहीं देख लेते हैं। फिर हमारे में लाइक एंड जी डाल देते हैं। दोस्तों, डाउनलोड करके हम
स्नैपचैट डाउनलोड करके हम स्नैपचैट पर क्लिक करते हैं। फिर दोस्तों हम इसे ले चलते हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। फिर हम टूल पर क्लिक करके ट्यून इमेज में चले जाते हैं। फिर हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं, सैचुरेशन को थोड़ा माइनस कर लेते हैं, एम्बिएंस को बढ़ा लेते हैं, हाईलाइट को भी थोड़ा बढ़ाते हैं। और फिर दोस्तों हम राइट पर क्लिक कर लेते हैं और चल जाते हैं व्यू एडिट्स के एप्लीकेशन के अंदर। व्यू एडिट्स के अंदर फिर यहाँ से ब्रश पर क्लिक करके हम इसे कर लेते हैं। फिर कर लेते हैं माइनस। इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। फिर दोस्तों अपने शरीर एंड शकल को हम कर लेते हैं फेयर, इसमें फेयर कर लेते हैं। फिर दोस्तों हम इसे कर लेते हैं राइट पर क्लिक। फिर बैक आ जाते हैं। फिर आते हैं पीछे, करते हैं टूल पर की और सेलेक्टिव टूल पर हम क्लिक कर लेते हैं। फिर अपनी शक्ल के पार्ट को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमारा फोटो अच्छे से एडिट हो गया। दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को दबा दें। फिर दोस्तों हम डन कर क्लिक करते हैं।